नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव गेटवे टिकटॉक चैनल से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं 80,000 रुपीस गेमिंग पीसी बिल का। दोस्तों ये गेमिंग पीसी उन लोगों के लिए है जो किसी भी लेटेस्ट गेम को खेलना चाहते हैं 60 FPS के साथ में, उसको स्ट्रीम भी करना चाहते हैं यूट्यूब पे या ट्विच पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों इस बिल के लिए जो प्रोसेसर हमने चूज़ किया है वो है AMD का राइजन 5 2600X। ये सेम प्रोसेसर है जो हमारे डायनेमो भाई हाइड्रा डायनेमो यूज़ करती है, वही प्रोसेसर हमने भी चूज़ किया है। यहाँ पे आपको 6 कोर और 12 थ्रेड मिलते हैं जिससे आप गेमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग दोनों बहुत ही बढ़िया से कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी जो प्राइस है वो AMD कंप्यूटर पे बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। इसका जो प्राइस है AMD कंप्यूटर पे वो है 19,100 रुपये के आसपास, तो काफ़ी सस्ता है ये। 20,000 रुपये से भी कम में आपको ये प्रोसेसर मिल जाता है। साथ में इसके साथ जो हमें मदरबोर्ड लेना चाहिए वो है एक B450 चिपसेट वाला मदरबोर्ड और गीगाबाइट का B450 AMD S3H। बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है, सस्ते में आता है ये, लगभग आपको 6,200 रुपये के आसपास मिलेगा, 6,193 रुपीज़। तो कभी 6,200 रुपये से भी कम में आपको मदरबोर्ड मिलता है। इसमें आपको एक M.2 स्लॉट मिलता है, आपको जो है 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाने का जगह मिलता है। अगर आप क्रॉसफायर या SLI लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 4 RAM स्लॉट भी देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है ये। और इसमें आप जो है आपको जो राइजन 5 2600X है उसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया मदरबोर्ड है और सस्ते में आता है। अब रैम के लिए मैंने चूज़ किया जिसकल का 16GB DDR4 32 MHz वाला रैम ट्राइडेंट जेट सीरीज़ का, और ये बढ़िया रैम है। आप चाहे तो इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। 32 MHz का रैम भी काफ़ी सही है 16GB रैम किसी भी गेम को खेलने के लिए और लाइव स्ट्रीम करने के लिए। साथ में दोस्तों इसका जो प्राइस है ये दोस्तों 13,399 रुपये यानी कि 13,400 रुपये के आसपास आपको मिल जाता है AMD कंप्यूटर पे, और अमेजन पे थोड़ा महंगा मिलेगा, तो आप AMD कंप्यूटर से लीजिए, मैं सजेस्ट करूँगा। और जो स्टोरेज है यहाँ पे हम दो चीज़ लेंगे, SSD और हार्ड ड्राइव। SSD के लिए हम लेंगे WD ग्रीन यानी कि वेस्टर्न डिजिटल ग्रीन 240GB SSD M.2 वाला। तो 240GB M.2 SSD का प्राइस इधर 3,000 रुपये है, तो कभी सस्ते में आपको 240GB का M.2 SSD मिलता है, तो आप इसमें गेम और इसको स्टोर कर सकते हैं। और जो आपका जो एक्स्ट्रा फाइल है उसको सेव करने के लिए हमें WD का ही जो ब्लू हार्ड ड्राइव है 1 TB का वो चूज़ किया है। इसका प्राइस 3,000 रुपये से भी कम है, 2,975 रुपये इसमें आपको मिलता है, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ये। अब जो मेन पार्ट है इस बिल का वो है GPU। GPU में मैंने चूज़ किया है बहुत ही लेटेस्ट GPU, NVIDIA ने लॉन्च किया है 1660 Ti। तो यहाँ पे दोस्तों गीगाबाइट का GTX 1660 Ti, जो विंडफोर्स ओवरक्लॉक 6GB वाला वर्जन चूज़ किया है, DDR6 मेमोरी के साथ आता है ये। और इसमें आपको विंडफोर्स का ब्लेड सिस्टम मिलता है गीगाबाइट का, और ये ओवरक्लॉकेबल जो है कार्ड है। इसका जो मैक्स बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है 1845 MHz का, और ये आपको किसी भी गेम को 60 FPS का FPS दे देगा, तो आप इसको लीजिए, बहुत ही बढ़िया GPU है। और इसका जो प्राइस है वो भी कभी सस्ते में आता है, आपको ये 27,000 रुपीज़ के आसपास मिलता है, 27,069 रुपीज़, तो काफ़ी सस्ते में आपको ये मिल जाता है AMD कंप्यूटर पे। दोस्तों यहाँ पे इन सभी कंपोनेंट को पावर देने के लिए कॉर्सर का VS550W PSU जो अमेजोन पे मिलता है बहुत ही सस्ते में, आपको ये 3,500 रुपये के आसपास मिलता है, 3489 रुपीज़, तो काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाता है। ये 80+ ब्रोन सर्टिफाइड PSU है, और ये इनफ पावर देगा आपके सभी कंपोनेंट को पावर देने के लिए। दोस्तों इन सभी कंपोनेंट को समझने के लिए हमें एक केस चाहिए, और यहाँ पे थर्मलटेक फर्सा N24 केस बहुत ही बढ़िया केस है, 3,350 रुपये इसका प्राइस है, और थर्मलटेक एक इंटरनेशनल ब्रांड है। और ये जो केस है देखने में एकदम धांसू लुक देता है, आपको ट्रांसपेरेंट साइड पैनल मिलता है, आपको सामने की ओर जो है 2 फैन लगाने का स्पेस मिलता है, आप चाहे तो रेडिएटर लगा सकते हैं 240mm का अगर वाटर कूलिंग करना चाहते हैं। और इसमें आपको अलग से PSU श्राउड भी देखने को मिलता है ताकि जो पावर सप्लाई उसका हीट ऊपर ना आए, तो ये काफ़ी अच्छा जो है केस है। और 3,350 रुपये बहुत ही बढ़िया केस है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, लुक भी बढ़िया है, और एयर फ्लो भी बहुत ही बढ़िया है इस केस का। तो दोस्तों अभी इस केस का जो एयर फ्लो है उसको और अच्छा और लुक को और अच्छा करने के लिए यहाँ पे दोस्तों हमने चूज़ किया है जॉन्सबो का 2 LED फैन। दोस्तों ये आपको अमेजोन पे मिलता है 599 रुपीज़, तो दोनों मिला के 1200 रुपये हो जाता है। 1200 रुपये में आपको 2 8GB LED फैन देखने को मिलता है, और ये फैन बहुत ही अच्छा फ़ैन है क्योंकि इसमें जो
स्क्रू का एरिया है उसमें आपको रबर पैड देखने को मिलता है ताकि जो वाइब्रेशन और साउंड नॉइस है वो कम होगा, तो आपको बहुत ही साइलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इस फैन के जरिए। और एयर फ्लो भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है आपका केस का, ताकि आपका जो मदरबोर्ड है, रैम है और बाकी जो कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर एकदम लो रहे। तो दोस्तों इसे जो फाइनल प्राइस है वो है दोस्तों 79,771 रुपीज़, तो यानी कि 80,000 रुपये से भी कम में आपको मिल जाता है, आपको लगभग 300 रुपये के आसपास सेव भी हो जाता है इसमें। हालांकि वो भी लग जाएगा क्योंकि AMD कंप्यूटर पर जो भी चीज़ है उसमें डिलीवरी चार्जेस लगता है, तो आपको 500-700 रुपये का एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देना होगा, तो इससे अब ये मेकअप हो जाएगा। तो 80,000 रुपये में आपका जो गेमिंग पीसी बिल है वो हो जाएगा। इसमें आपको 1660 Ti वाला जो है आपको GPU मिलता है और 2600X का 6-core 12-thread वाला प्रोसेसर मिलता है, और ये इनफ है किसी भी गेम को 60 FPS पे 1080p रेजोल्यूशन पे प्ले करने के लिए, वो भी अल्टीमेट सेटिंग पे। ठीक है, आप चाहे तो 2K या 4K में भी गेमिंग कर सकते हैं अगर आप सेटिंग को मीडियम या लो में सेट करें तो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही जो है लैपटॉप का भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। जय हिंद।